तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भीम एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि भीम एप्लीकेशन से आप मनी ट्रांसफ़र करने के सिवा बहुत सारे फीचर्स वगैरह इसमें दिए गए हैं जो कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में आसान बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मान लीजिए इस भीम एप्लीकेशन का UPI पिन चेंज करना है, या फिर आप UPI पिन भूल गए हैं तो उसको आप फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको इस भीम एप्लीकेशन का लैंग्वेज वगैरह कैसे चेंज करना है वो आप चेंज कैसे करेंगे, और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन से आपने कितना ट्रांजेक्शन वगैरह किया है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए किसी एक बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं है और आपने यहाँ पर एक से अधिक बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है और आपको सेकेंड अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे में आप सेकेंड अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको भी इन सारे फीचर्स वगैरह को जानने में दिलचस्पी है और आपको इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ करना है तो ऐसे में आप मेरे इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो भीम UPI ऐप है इसको ओपन करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है बैंक अकाउंट का, यानी कि आपने जिस भी बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर रखा है वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर शो करेगा। सो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में आपने जितना भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है वो सारा बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि मेरे केस में मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है तो इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट शो कर रहा है। बट अगर आपने यहाँ पर एक से अधिक, चाहे वह दो हो, तीन हो, या चार हो, या पाँच ही क्यों ना हो, अगर आपने जितना बैंक अकाउंट लिंक किया वो सारा बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो मान लीजिए यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन से इस बैंक अकाउंट से पैसा कटवा के किसी सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कटवाना चाहते हैं आप उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चूँकि मेरे केस में एक ही है तो मैं यहाँ पर इसी बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है धनराशि भेजें सबसे पहले। सो यहाँ पर आप इस धनराशि भेजें या फिर सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आप जिस भी पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पर्सन का ये जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट प्लस IFSC कोड का ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले सामने वाला पर्सन का बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। जो भी बैंक अकाउंट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद उस सामने वाले पर्सन का अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो भी है उस सारे डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है जाँच करेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपको जितना भी पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करना है आप सामने वाले पेज में आप उतना पैसा वगैरह एंटर करके भेज सकते हैं। ऐसे में होगा यह कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आप अपने जब भी बैंक अकाउंट अभी सेलेक्ट किया है उस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट जाएगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर UPI ID एंटर करके भी पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में मोबाइल नंबर या फिर UPI ID को एंटर करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप यहाँ से भी पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ पर आपको इस जो ये जो अकाउंट है इस बैंक अकाउंट का UPI पिन आप भूल गए हैं, आपको यहाँ पर इस बैंक अकाउंट का UPI पिन नया बनाना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगेट, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं UPI पिन भूल गए, या फिर इंग्लिश में आपको यहाँ पर फॉरगेट UPI पिन दिखाई देगा। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको आपका जो भी डेबिट कार्ड है, आपका जो भी ATM कार्ड है, आपको यहाँ पर उस ATM कार्ड का जो भी लास्ट का 6 डिजिट है, आपको यहाँ पर जो भी लास्ट का 6 डिजिट आप उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद आप एक्सपायरी डेट एंड एक्सपायरी ईयर एंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको आपका जो भी UPI पिन है उसको वहाँ पर एंटर करने को बोला जाएगा। आप जो भी UPI पिन सेट करना चाहते हैं उस UPI पिन को एंटर करने के लिए बोला जाएगा, आप उस UPI पिन को एंटर कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आपका जो भी नया UPI पिन है वो बन जाएगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP वगैरह भी भेज सकता है। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके वो सारे डिटेल्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं।
और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है निकाले या फिर डिलीट वगैरह का एक ऑप्शन है। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रखा है आप इस बैंक अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इस बैंक अकाउंट को आप यहाँ से हटा सकते हैं। और इसी के बगल में एक और ऑप्शन दिया गया है UPI पिन बदले। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी UPI पिन अभी करंट में लगा हुआ है उस UPI पिन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बस आपका जो भी UPI पिन ओल्ड UPI पिन था आपको यहाँ पर उस UPI पिन को एंटर करना पड़ेगा एंड इसके बाद आपको जो भी नया UPI पिन बनाना है आप उस UPI पिन को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा एंड इसके बाद आपका UPI पिन बन जाएगा। और आप चाहे तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना सकता हूँ और साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ पर इस बैंक अकाउंट का कितना बैंक बैलेंस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको बस यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसी के नीचे में बैलेंस जाँचे या फिर चेक बैलेंस करके। सो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद आपका जो भी UPI पिन है आपको यहाँ पर उस UPI पिन को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा एंड इसके बाद आपका जितना भी बैंक बैलेंस है वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंक बैलेंस जितना भी था वो मुझे यहाँ पर इस बैंक अकाउंट के नीचे में शो कर रहा है। तो चलिए आपको और भी कुछ फीचर्स वगैरह इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है होम पेज में बिल्कुल यहाँ पर एक 3 लाइन वाला। सो अगर आप यहाँ पर इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भाषा चुने या फिर चेंज लैंग्वेज का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सो मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का यूज करना है तो ऐसे में मैं यहाँ पर इस इंग्लिश लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट का, आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड इसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सो अगर आप यहाँ पर 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर फीचर्स है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है सेटिंग का। सो आप यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है बायोमेट्रिक लॉगिन जो कि अभी ऑफ है। सो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन करना पड़ेगा एंड इसको ऑन करने के बाद आपका जो भी अभी करंट में जो भी आपका पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा एंड इसके बाद आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और अगर आप पहली बार आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक लगा रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर आपका फिंगर को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने फिंगर को आप यहाँ पर आपका जो भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपके मोबाइल फ़ोन में वहाँ पर आप अपने फिंगर को रख दीजिए एंड इसके बाद आपका जो भी फिंगर है उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन दिया गया है डी रजिस्टर्ड करके। सो आप चाहे तो ये जो आपका अकाउंट है इस अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसको अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो चलिए अब इसके बारे में और भी फीचर्स वगैरह हैं इसको भी जान लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट का। अगर आप यहाँ पर इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वापस आप यहाँ पर देखते हैं कि सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट का। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन में आपका ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को आप रिमूव कर सकते हैं, इस अकाउंट को आप लॉग आउट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वापस से होम स्क्रीन में आते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला है होम टैब का ऑप्शन है, इसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिया गया है प्रोफाइल का। सो आप यहाँ पर इस प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी अकाउंट है उस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपका जो भी नेम वगैरह है आप यहाँ आपको यहाँ पर आपका नेम शो करेगा, आपका जो UPI ID है वो UPI ID आपको यहाँ पर शो करेगा और साथ ही साथ आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा और साथ ही साथ आपका जो भी बैंक अकाउंट इस एप्लीकेशन में लिंक है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। साथ ही साथ अगर आप एक शॉपकीपर एक दुकानदार है तो ऐसे में आप चाहे तो एक रजिस्टर्ड एज अ मर्चेंट आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है IMA मर्चेंट। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके एज अ मर्चेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए QR कोड वगैरह मंगवाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां से इस एप्लीकेशन के जरिए QR कोड वगैरह भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी फीचर्स इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में यहाँ पर जो ऑप्शन था प्रोफाइल के बगल में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ट्रांजिशन का। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके
यहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन के थ्रू जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह किया है, चाहे आपने मनी ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन किया है, वो सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह किए थे, जिसमें से कुछ ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुल्ली है और बट यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है जो फेल्ड है। सो आपको यहाँ पर जितना भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो फेल्ड हो या फिर सक्सेसफुल हो, वो सारा ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो इस ऑप्शन के जरिए आप ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। और आप अगर वापस से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो होम पेज है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं पैसे वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है सेंड का। सो आप यहाँ पर इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जिसके भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, जिसके भी पास आपको आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटवा के भेजना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है सर्च बॉक्स में। सो आप यहाँ पर सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर UPI एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोनपे पेटीएम वगैरह के साथ रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप एंटर करके उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहे तो उस पर्सन का UPI ID जो होता है, उस UPI ID को भी एंटर करके आप पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर उस सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है अकाउंट प्लस IFC कोड। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको बस यहाँ पर अकाउंट प्लस IFC कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सामने वाले पर्सन का जिस भी बैंक में उसका अकाउंट खुला हुआ है, आप उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए सामने वाले पर्सन का जो अकाउंट है आंध्र प्रदेश, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक में है, आपको बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर साथ ही साथ उसका जो IFC कोड वगैरह है, उस IFC कोड को यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स वगैरह को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वेरीफाई का। सो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद इस एप्लीकेशन के जरिए उस अकाउंट होल्डर का जो भी डिटेल्स वगैरह है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। एंड वेरीफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर सामने वाले पर्सन के अकाउंट में जितना भी पैसा वगैरह ट्रांसफ़र करना है, आप उतने पैसों को वहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद आप वहाँ पर आपका जो भी UPI पिन वगैरह है, उस UPI पिन को आप एंटर करके इसके अकाउंट में पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है कि आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करके, तो आप चाहे तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को देख करके इस एप्लीकेशन का यूज़ कर लेंगे। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स तो नहीं बताई है, बट और भी कई सारी डिटेल्स और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह रह गई है। सो मैं आपको इसके बारे में और भी जो फीचर्स वगैरह है उसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में आपको बता दूंगा।